मटकी को लेकर सुराणा एक बार फिर चर्चा में है। गुजरात से लोडिंग टेम्पो में बड़ी मटकी पहुंची सुराणा, भारी संख्या में पुलिस बल रहा तैनात। सायला उपखंड का सुराणा गांव मटकी के मामले को लेकर एक बार फिर चर्चा में आ गया है। इस बार यह चर्चा गुजरात से शुरू हुई है। 200 से ज़्यादा दलित महिलाएं एक विशाल आकार के मटके के साथ गुजरात से वाया रानीवाड़ा होते हुए सुराणा पहुंची। रानीवाड़ा प्रशासन ने इस काफिले को गुजरात सरहद पर राज्य सीमा में 3 घंटे तक रोके रखा। बाद में उच्चाधिकारियों के निर्देश पर काफिला को राज्य में प्रवेश दिया गया। दलित महिलाओं ने इस दल ने सुराणा आकर दलित परिवार को मदद के तौर पर 1.75 लाख रुपए की राशि प्रदान की है। आपको बता दें कि गुजरात में दलित जागरूकता को लेकर दलित नारी सेवा केंद्र सहित कई संस्थाओं के बैनर तले 8 राज्यों से 1233 गांवों के प्रत्येक दलित घर से 1-1 रुपया एकत्रित कर 3.75 लाख रुपये इकट्ठा हुए हैं। उस राशि को एक वाहन में विशाल मटका में रखकर रैली के रूप में शनिवार सुबह 4 बजे गुजरात के अहमदाबाद से रवाना हुई। इस मटके में दलित समाज की ओर से एकत्रित राशि रखी हुई थी। ऐसे में प्रशासन का कहना था कि मटके को कपड़े से ढककर राज्य में प्रवेश करें। इस बात का महिलाओं ने विरोध किया। 3 घंटे तक बहसबाजी होने के बाद उच्च अधिकारियों के निर्देश पर मटका रैली को बिना ढके राज्य में प्रवेश दे दिया गया। उधर मटका रैली को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर था। सुराणा में सवेरे से ही भारी संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात था। वह ASP अनुकृति उजैनिया, साइला SDM सूरजभान विश्नोई, जालोर डिप्टी हिम्मत सारण, भिनमाल डिप्टी सीमा चोपड़ा सहित जाब्ता तैनात रहे। वहीं आखिरकार लोडिंग टेम्पो से मटकी शनिवार शाम 7:45 बजे सुराणा पहुँच ही गई। वह इंद्र मेघवाल के घर पहुँचकर महिलाओं ने श्रद्धांजलि दी। वह मटकी के साथ 4 बसों में सवार महिलाएं भी इंद्र मेघवाल के घर पहुंची व इंद्र मेघवाल के परिजनों को सांत्वना दी। बाल को तो बाल से लगा।